एक मिनट। कवरेज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा मुल्क है जिसमें कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। सर ये जो आज का ये बंद किया है तो मैं मुबारक देता हूं अपने हिंदू बरादरी को, तो जो उन्होंने निकाल दी थी कि पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इस शख्स ने नाजेबा हरकत की है उसके बारे में तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर मेंढर के अंदर, जैसे बलराज जी ने बोला कि यहाँ हमें पता ही नहीं कि हिंदू कुआ है मुसलमान कुआ है, हम गठे चलते हैं, गठे खाते हैं, गठे पीते हैं, हमारा तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है। लेकिन ये दुख है होता है, और कोई भी किसी मजहब के खिलाफ, हिंदू मजहब के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ भी कोई भी आदमी ऐसे करे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बड़ा मजहब है इंसानियत, अगर इंसानियत ही खत्म हो जाए तो फिर मजहब कौन सा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कल मौलाना साहब ने कॉल की थी बाजार बंद की, तो हमारी शाम को मीटिंग भी हुई मौलाना साहब और हमारे बीच, तो हमने भी कहा कि भाई जो बाजार है हिंदू बरादरी की जो दुकान है बाजार में, हमने भी मंदिर से अनाउंस भी किया था और कॉल कर दिया कि कल जो हमारा आज के लिए हमारा पूरा बाजार बंद रहेगा। तो बड़ा दुख होता है कि ये बातें देख करके जो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खलल डालते हैं, बड़ा दिल को दुख होता है। मैं कहता हूँ कि हमारी मेंढर में हम लोग बड़े सुकून से रहते हैं, हम पता ही नहीं है कि यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। तो मैं इंतजामिया से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे।